हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट फंडामेंटल रूल, जो कि किस पे बेस्ड था, सम पे। किस पे बेस्ड था? सम पे। सम का फंडामेंटल रूल देखा था, जो कि फर्स्ट फंडामेंटल रूल था, ठीक है। और डिफरेंस का, जो कि सेकेंड फंडामेंटल रूल है, डिफरेंस के लिए, जो कि सेकेंड फंडामेंटल रूल है। फर्स्ट तो मैंने कल प्रूव कर दिया था आपको, डिफरेंस का जो कि सेकेंड फंडामेंटल रूल है उसको मैंने आपको प्रूव करने दिया था। जो प्रूव कर लिए हैं वो तो अच्छी बात है, उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रूव नहीं किए हैं वो तो भाई, आप तो मानो आपका चरण का मैं स्पर्श करता हूँ, ठीक है, इसके लिए तालियां, जो प्रूव नहीं किए हैं, ठीक है। और जो प्रूव जिससे नहीं हुआ वो यहाँ पर ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या कहें, जो प्रूफ किया ही नहीं तो दिन भर में अगर 24 घंटे में आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, 1 घंटा अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर आप साइंस से हो तो कम से कम क्लास के बाद सेल्फ स्टडी कम से कम 2 घंटा डेली कीजिए एक सब्जेक्ट पर। क्लास को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, 1 घंटा का क्लास कीजिए, मिनिमम 1 घंटा तो आप मिनिमम 1 घंटा उसको जरूर रिवाइज कीजिए। और उस 1 घंटा में आप नोट बनाने को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यार, एक फॉर्मूला सबको आप याद करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, भूल जाओगे। तो अभी से स्टार्टिंग से ही कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छा रिजल्ट अगर लाना है तो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेनली आज का क्लास प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड था, लेकिन फिर भी डिफरेंस का हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जिससे नहीं हुआ वो देख लें ध्यान से। वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी है, y बराबर u माइनस वी है ना। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ भाई, डिफरेंस का मतलब हुआ एक फंक्शन y है इसका, यानी कि डिफरेंस वाले फंडामेंटल रूल का मीनिंग ये हुआ, y जैसे फंक्शन है या किसके इक्वल है, दो फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल है। बात को ध्यान से समझो, ठीक है, किसके इक्वल है, दो फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल है, ध्यान से समझ, दो फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल। देखो, इसमें इस वाले हाथ को अगर मैं घटाता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हॉल का करना हो तो कैसे करेंगे, वही रूल हम लोग खोज रहे हैं, कैसे करेंगे। तो होता क्या है, आप जब दो फंक्शन को डिफरेंस में लाओगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो और उसके बाद माइनस कर दो, कोई झमेला इसमें भी नहीं है। जैसे प्लस में क्या था, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से आप कर दो डिफरेंशिएशन, उसके बाद जोड़ दो, डिफरेंशिएशन कर दो जोड़ दो, ठीक है। माइनस में वही होगा, डिफरेंशिएशन कर दो घटा दो, डिफरेंशिएशन करके घटा दो, ठीक है। ध्यान से देखो, y इक्वल टू u माइनस v था, सबसे पहले क्या किया, y में चेंज किए, y प्लस डेल y बना दिया y को, फिर u को चेंज किए u प्लस डेल u। अब यहाँ पे ध्यान से देना, जिससे नहीं बना होगा हमको लगता है वो यहीं पे गलती किया होगा, u प्लस डेल u, u को बनाए भी, ध्यान से समझ भाई, भी जो है ना, एक जो भी इस तरह से जो दिख रहा है ना, इस भी को आपको रिप्लेस करना है भी प्लस डेल v में। भी क्या बना, भी प्लस डेल भी, बात समझ में आ रहा है, भी जो है वो भी जो था वो क्या बना, भी प्लस डेल भी। देखो, ये भी इस वाले बॉक्स में जो हम लिखे हैं ये केवल और केवल भी है ऊपर वाले इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू यू माइनस वी के लिए। तो यहाँ पे अगर भी प्लस डेल भी देंगे तो माइनस तो हॉल पे लगेगा ना, अगर माइनस पूरे पे लगेगा तो यहाँ पे ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, यू प्लस डेल यू माइनस भी माइनस डेल भी। अब देखो, यहाँ पे जो वाई था उसको माइनस किए, उसको जैसे माइनस करोगे, y क्या है, u माइनस भी, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करके माइनस करोगे, इतना तो आप लोग अपने से कर भी सकते हो। माइनस देखो, जैसे ही माइनस करोगे क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, u माइनस का बनेगा क्या और v प्लस का बनेगा, चेक कर लो ना, u माइनस का और v प्लस का बनेगा, ये u इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा, क्या बचा, डेल यू माइनस डेल वी, डेल यू माइनस डेल वी। फिर क्या किया, डेल एक्स से डिवाइड किया, हम पहले ही सेपरेट कर दिया, ठीक है, डेल एक्स से डिवाइड किए, सेपरेट कर लिए, उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू डेल, क्या बोल रहा हूँ मैं, लिमिट डेल एक्सटेंडिंग टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इधर होगा, लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ से किसका, डेल एक्सटेंडिंग टू जीरो का, दोनों तरफ जैसे लिमिट लगाएंगे डेल एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल एक्सटेंडिंग टू जीरो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था लिमिट ब्रेक हो जाता है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवाइड कुछ भी हो, लिमिट ब्रेक हो जाता है सारे जगह पे, ठीक है, डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपने देखा सम में ब्रेक हो गया है, डिफरेंस में भी ब्रेक हो गया, लेकिन आगे जब रूल पढ़ोगे प्रोडक्ट और डिवाइड का तो वहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता है, वो कल की क्लास में आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। लिमिट तो को ब्रेक किए, यहाँ पे क्या बना, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हुआ, डी यू, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी वी बनाया, इस तरह से ये प्रूव हो गया। जिसे नहीं बना था वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
जिससे बन गया था, अगर उसको भी मर्जी है तो ले सकते हो। आगे हम लोग प्रोडक्ट रूल में चलेंगे, ठीक है। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे देखो, आगे प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल ये थर्ड फंडामेंटल डिफरेंशिएशन का रूल है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल, ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा उससे अलग रूल है, ठीक है। प्लस और माइनस वाले से, प्लस माइनस वाले में क्या होता था, डायरेक्ट प्लस करके सेपरेट करके प्लस करके डिफरेंशिएशन कर देते थे। जैसे इन दोनों का अगर सम का डिफरेंशिएशन निकालना है, दोनों हाथ का, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाले, इसका अलग निकाले, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। सेपरेट करके अलग अलग निकाल लिए ना दोनों हाथ का डिफरेंशिएशन। लेकिन प्रोडक्ट में वैसा नहीं होता है, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होता है। देखो क्या होता है, वाई इक्वल टू यू डॉट वी है ना, यू डॉट वी यानी यू इन टू वी। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, इसी को ना डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है। ये जब निकालोगे तो क्या होता है, देखो यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। मैंने क्या कहा, यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखो ध्यान से समझना भाई क्या हुआ, यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स क्या हुआ। देखो U और V प्रोडक्ट में है, U और V प्रोडक्ट में है, ध्यान से सुनो, U और V प्रोडक्ट में है। क्या किए, एक बार U को लिख दिए एज इट इज जैसा था वैसा, ध्यान से सुनना भाई, U जैसा था वैसा लिख दिए, फिर जब V की बारी आई तो V का डेरिवेटिव उसके साथ कर दिए। U को एज इट इज लिख दो और V का डेरिवेटिव उसके साथ कर दो, उसके बाद ऐड करना है V को एज इट इज लिख दो और U को डेरिवेटिव करके ऐड कर दो। बात ध्यान से समझिए, जैसे इन दोनों का, दोनों हाथ का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो इसको लिख के इसका डेरिवेटिव करो, इसको लिख के इसका डेरिवेटिव करो, और उसमें ऐड क्या करना है, इसको इसको इस बार लिखो, इसका डेरिवेटिव करके ऐड करो। और आप पहले पहले भी को भी लिख करके यू का डेरिवेटिव कर सकते हो, चूंकि ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, क्या हो रहा है, सपोज करो यू डॉट भी में क्या हो रहा है, देखो सपोज करो डिफरेंशिएशन जिसका हो रहा है ना, वो डांस कर रहा है ऐसे 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 ऐसे। देखो क्या होगा, यू को आप एज इट इज रहने दो, यू जो है वो दर्शक है, डांस कर रहा है भी ऐसे ऐसे, भी डांस कर रहा है ऐसे ऐसे, यू देख रहा है। फिर क्या हुआ, इस बार भी ऐसे ऐसे डांस किया और यू देख रहा है। बात समझ में आया, हुआ यू कि यू ने डांस किया तो भी ने देखा, भी ने डांस किया तो यू ने देखा। डी से डेरिवेटिव और डी से डांस, याद रहेगा, डी से डेरिवेटिव और डी से डांस। हुआ क्या, यू क्या हुआ, यू ने देखा तो डांस कौन कर रहा था, भी, यू ने देखा, यू देख रहा है, देखो यू देख रहा है, डांस भी कर रहा है, इस बार भी देख रहा है तो डांस कौन करेगा, ऑटोमेटिक है भाई यू ही करेगा ना, समझो बात को। अगर यहाँ पे तीन प्रोडक्ट में रहता ना, मैं दो वाला ही प्रूव करके दिखाऊंगा, तीन वाला आप अपने से करोगे, ठीक है। अगर तीन प्रोडक्ट में रहता तो क्या होता, एक को डांस करवाता, एक का डेरिवेटिव करता, बाकी दो को एज इट इज प्रोडक्ट कर देता, जैसा है वैसा ही प्रोडक्ट कर देता, ठीक है। उसके बाद ऐड करते उसमें किसको, सेकंड वाले को। अगर इसको हम लोग पहले डांस करवाए यानी डेरिवेटिव निकाले, तो इस बार इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आपका मन इसका है तो इसका भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इन दोनों का एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस देंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इन दोनों का एज इट इज लिखेंगे। कुछ ऐसा होगा क्या, यू भी डॉट डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस, आगे बोल भाई क्या होगा, यू और डब्ल्यू को लिए तो भी डांस करेगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यू भी यू डब्ल्यू हो गया, बचा क्या, डब्ल्यू भी डॉट डी यू अपॉन डी एक्स। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या हो रहा था कि एक को लिखो, दूसरा का डेरिवेटिव करो, प्लस दूसरे को लिखो, पहले का डेरिवेटिव करो, एक को लिखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, फिर दूसरे को लिखो और पहले का डेरिवेटिव करो। अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन, देखो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन बोले तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, सॉरी मैं क्या बोल गया, ध्यान से फिर से सुनो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
इसको आप लोग अगर 5 बार अपने से बोल के प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। वैसे तो अगर डांस वाला भी कॉन्सेप्ट को याद रखोगे ना, उस ट्रिक से भी याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसके साथ दूसरा, जिसका जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, एक का ही डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, समझो बात को, एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी जो भी बचा सबको प्रोडक्ट में ला के फेंक दो। ध्यान से सुनो, एक का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बाकी जो भी बचा सबको प्रोडक्ट में ला के फेंक दो, बाकी इस तरह से प्लस दे दे के ऐसा जयवार आप कर सकते हो मैक्सिमम टाइम व्यवहार कर दो। अगर यहाँ पे अगर 4 बार होता, यहाँ पे 4 डिजिट यानी 4 नंबर यानी 4 फंक्शन प्रोडक्ट में होता तो क्या करते, इस तरह से एक और बार बनता, एक और ऐसा बनता ना ग्रुप जिसमें जो अगला वाला होता उसका डिफरेंशिएशन करते, बाकी को एज इट इज लिख देते। समझ में आया प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। इसका तो प्रूफ हम 2 वाले वेरिएबल का कर दे रहे हैं, बाकी अपने से कर लेना। y इज इक्वल टू यू डॉट वी है ना। सबसे पहले क्या करोगे, क्या करोगे, y में डेल y बनाओगे चेंज करके u को, u प्लस डेल u बनाओगे, अब v को v प्लस, सॉरी ये प्रोडक्ट में है, इस तरह से प्रोडक्ट v प्लस डेल v। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, y को y प्लस डेल y लिखा, ध्यान से सुनो, y को चेंज करके y प्लस डेल y और u को चेंज करके u प्लस डेल u लिखे, v को चेंज करके v प्लस डेल v किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट करो, क्लास 7th की बातें हैं, क्या होगा u भी फर्स्ट वर्ड, उसके बाद क्या होगा u, आगे क्या होगा, होगा क्या u इंटू वी, यू भी u डेल भी, ठीक है, डेल u भी, ये भी है भाई, डेल u भी, और लास्ट में डेल u डॉट डेल भी। ध्यान से समझना बात को, इस तरह से तो प्रोडक्ट हम लोगों ने कर दिया। अब हर बार की तरह क्या होगा, इस बार भी ये y उधर जाके माइनस होगा, हर बार की तरह ये y उधर जाके इस बार भी माइनस होगा ना, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखना, डेल y, सॉरी हम इस स्टेप में माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, डेल वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देख। अच्छा बताओ तो वाई का वैल्यू क्या है, अरे देखो वाई का वैल्यू क्या है, यू डॉट वी, ध्यान से समझना भाई, वाई का वैल्यू यू डॉट वी है, इसमें जैसे ही आप ये इधर आएगा माइनस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, अरे देखो यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, जैसे ही माइनस होगा तो आप यू डॉट वी को माइनस करोगे, ये यू डॉट वी माइनस हो जाएगा और ये नेगलेट हो जाएगा, u डॉट भी इसमें लंबा लिखना पड़ रहा है, u डेल भी आप साथ साथ लिखते चलो ना, देखो y का वैल्यू u डॉट भी था, ये दोनों तो कट गया, अच्छा साहब हो गया, ये डेल u डॉट डेल भी, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को। डेल u डॉट डेल भी, डेल u क्या है, डेल यू क्या है, एक छोटा सा नंबर जो कि 0 के बहुत ही करीब है, आपको तो पता है पहले से ही, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे डिफरेंशिएशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट का, देख लेना, ऐसे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ध्यान से समझना, डेल यू क्या है, 0 के बहुत ही करीब का नंबर, डेल यू जो है वो 0 के बहुत ही करीब का डिजिट है, 0 से बहुत ही नियरेस्ट है, और डेल भी 0 से बहुत ही नियरेस्ट है। अब देखो ये अपने बहुत ही क्लोज टू 0 है, ये भी क्लोज टू 0 है, जब दो क्लोज टू 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 से बहुत 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 क्लोज हो जाएगा। जैसे देखो 0.0001 इंटू 0.0001, ये 0 के क्लोज है, काफ़ी क्लोज है, 0 के काफ़ी क्लोज है ना भाई, 0.001 ये भी काफ़ी क्लोज है। अब जैसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, 0. लास्ट में 1 आएगा, कितने डिजिट बाद दशमलव लग रहा है, 5, 6, 7, 8 डिजिट के बाद दशमलव लग रहा है, 8 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, ध्यान से समझना, 8 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। इस जगह अगर 4 वाला है,
अगर ये 4 के जगह पे और ज़्यादा नंबर होता, 8, 7 नंबर, सपोज 10, 12 इस तरह का कुछ नंबर होता, इधर भी 10, 12 कुछ नंबर होता, तो क्या होता, 20, 24 टाइम्स 0 आ जाता आगे में, तो वो बहुत ही छोटा नंबर हो जाता, वो बहुत ही छोटा नंबर हो जाता। हम ये कह सकते हैं डेल यू डॉट डेल वी बहुत ही क्लोज है किसके, 0 के, वेरी नियरेस्ट टू 0, बहुत ही क्लोज 0 को है, 0 का है, बहुत ही क्लोज 0 का, इसलिए हम इसको 0 कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, 0 क्यों कंसीडर किए, आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, 0 कंसीडर कर लिए, क्योंकि ये 0 के बहुत ही क्लोज है। तो क्या हुआ, यू डेल यू, यू डेल वी प्लस वी डेल यू किसके इक्वल हुआ, डेल वाई के इक्वल, इधर लिख दे रहे हैं हम, आप लोग याद रखिएगा, डेल यू डॉट डेल वी इज वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0, डेल यू डॉट डेल वी क्या है, बहुत ही 0 की क्लोज है, इसलिए उसको हम लोग 0 कंसीडर कर लिए। और ये प्लस में है, तो किसी भी नंबर में 0 अगर ऐड होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखो ध्यान से सुनो भाई, डेल वाई इधर है, इधर डेल वी, यहाँ पे डेल यू, आगे में कुछ प्रोडक्ट में भी है यू भी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही आपको पता है, नीचे में ध्यान से समझना, अगर आप पहले से क्लास कर रहे हो और आप अपने से प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझना। डेल वाई के नीचे डेल एक्स का डिवाइड आएगा, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे इस तरह से, डेल एक्स इधर भी डेल एक्स, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ जैसा पहले से लेते आ रहे हैं, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये क्यों लिए, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मेट चाहिए। तो ये तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, मैंने आपको बताया है डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, बताओ क्या मीनिंग होता है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग जाके देख भी सकते हो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या बनाया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर देखो क्या होगा, इस डेल एक्स को सेपरेट करोगे, सेपरेट करोगे, ठीक है, इसको जैसे ही आप सेपरेट करोगे उसके बाद लिमिट को अप्लाई करोगे, बात को ध्यान से समझो भाई, इसको आप लोग सेपरेट करोगे, ध्यान से समझना, ये देखो क्या होगा, मैं कर दे रहा हूँ, लिमिट दोनों में लिमिट ब्रेक होगा, आप लोग कहोगे कैसे कैलकुलेशन करो सर, इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, यू डॉट डेल वी, यू डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स। देख भाई क्या होगा, ये जो लिमिट है ना, अच्छा इसका वेरिएबल डिफरेंशिएशन हो किसके रिस्पेक्ट में रहा है, डिफरेंशिएशन हो किसके रिस्पेक्ट में रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में है ना डिफरेंशिएशन को लाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू क्या होगा, उस एक्स के लिए कांस्टेंट का काम करेगा क्या, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन आप एक्स के लिए कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यू जो है वो कांस्टेंट के काम में आएगा क्या, कांस्टेंट होगा क्या, आप देखो ना, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, इसमें y फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन अगर कोई नंबर a b c कुछ आ रहा है तो वो कैसा कंसीडर होगा, कांस्टेंट के रूप में कंसीडर होगा क्या, जी बिल्कुल, ठीक है, कांस्टेंट के रूप में वो कंसीडर हो जाएगा, तो u क्या होगा, ये लिमिट अंदर जाएगा, लिमिट अंदर जाएगा, फिर क्या बनाएगा, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx बनाएगा, u डॉट dv अपॉन dx इधर होगा, इधर उसी तरह से क्या बनेगा, v डॉट du अपॉन dx, समझ में आया नहीं आया, फिर से देख, ध्यान से देख भाई, देखो हुआ क्या, u डॉट dv अपॉन dx जो है, u डॉट dv अपॉन dx इस वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, इस वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में ये u चूँकि इसके साथ ना ही डेल और d कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, वो डेरिवेटिव से बाहर है, वो डेरिवेटिव से बाहर है, तो उसको बाहर ही रहने दो, उसको बाहर ले लो, लिमिट से पहले ले लो, ठीक है,
वो डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको लिमिट से पहले ले लिए। और अंदर में जैसे लिमिट लगा, आपको तो पता है पहले से ही, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डी वी अपॉन डी एक्स क्या बनाएगा, डी वी अपॉन डेल एक्स क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। यानी कि डी वी अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या? फिर से मैं कल भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया था शायद, डी वी अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग हुआ? वी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वी अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग हुआ, वी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऊपर में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। पिछले वीडियोज में मैंने ये सारा का सारा बात बताया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक बात तो आप हमेशा से याद रखना, कैलकुलस में थ्योरी का एक भी क्लास मिस मत करना, अगर मिस करते हो तो समझ में नहीं आएगा, रिलेवेंट होता है कैलकुलस का पिछला वीडियोज और पिछला चैप्टर भी रिलेवेंट होता है, ठीक है? समझो यहाँ पे, ये क्या बनाया u डॉट डी वी अपॉन डी एक्स, यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स, और ये क्या बनाएगा इधर v डॉट डी यू अपॉन डी एक्स। इस तरह से प्रूव हो गया क्या? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, आप लोगों को इतना जो मैंने बोला है समझाया तो समझ में आ गया होगा, अपने से कर लेना। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डॉट डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई? इसका तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है? कल देखो, कल आपको फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि डिवीजन का एक रूल है, y इक्वल टू यू अपॉन वी है, ध्यान से देख दोस्त, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है। इसका जब आप लोग डेरिवेटिव करोगे ना, तो कुछ इस तरह से आता है, v डॉट डी यू ठीक है, क्या होता है वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये फोर्थ फंडामेंटल डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो है, ठीक है? आप लोग इसको अपने से प्रूव कीजिएगा, ध्यान से लिख लो, इसको देख लो ध्यान से, इसको क्या करना है आप लोग अपने से प्रूव कीजिएगा, और जो लोग नहीं करेंगे तो भाई आप लोगों को प्रणाम है, ठीक है? जिससे नहीं होगा उसको मैं कल, उसके लिए तो कल बताएंगे ही, लेकिन आप लोग अपने से ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है? इसमें देखो ना क्या हो रहा है, ध्यान से एक बार मैं याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो जो नीचे में है ना, नीचे में जो है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने इस क्लास में यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा था उसको डांसर बताया, ना ध्यान से सुनो, जो नीचे में, अच्छा डांस कर, जब भी डांस का प्रोग्राम होता है तो डांसर जो होता है वो स्टेज में ऊपर पे होता है ना, और दर्शक नीचे में होता है। देखो क्या हो रहा है, ये डांसर है और ये डांसर और ये दर्शक, पहले कौन डांस करेगा, पहले तो डांसर ही डांस करेगा ना, जब डांसर पहले जहाँ भी डांस स्टार्ट होता है तो पहले तो डांसर डांस करता है। तो देखो क्या हुआ, यू ऊपर में डांसर बैठा था, ऊपर में डांसर रहता है तो डांसर ने पहले डांस किया, ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन हुआ उसमें, नीचे वाले का मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद डांस तो भैया सबको करना पड़ेगा, तो यू भी क्या हुआ, नीचे वाला जो दर्शक था वो भी आके डांस किया, ये एज इट इज रह गया, और उसमें प्लस हो रहा था तो यहाँ पे माइनस होगा, इस चीज़ को याद रखना, वहाँ पे प्लस कर रहे थे तो डिवाइड में माइनस करेंगे, और डिवाइड में एक्स्ट्रा नीचे में ये आ रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है? फिर से समझो, ऊपर में डांसर है, नीचे में दर्शक है, डांसर दर्शक, ये डांसर ये दर्शक, देखो ये डांसर ये दर्शक, डांसर क्या हुआ ध्यान से समझना, डांसर ने पहले डांस किया, तो यू का पहले डिफरेंशिएशन हुआ, अब बचा भी, अब कौन बचा, भी भी एज इट इज उसके साथ प्रोडक्ट में लग गया, फिर चूंकि ये डिवाइड वाला है इसीलिए माइनस यहाँ पे देंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है? माइनस जैसे दिए, अब डांसर ने तो डांस कर लिया था, अब बारी दर्शक की है, दर्शक डांस किया, दर्शक कौन था, वी, इसका डांस हुआ, ये डांस किया, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, डी वी अपॉन डी एक्स, इसका जैसे ही डी वी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव हुआ
तो कौन देख रहा था? ये डांसर, तो ये प्रोडक्ट में आ गया। और ये वी स्क्वायर जो डांसर नीचे में जो डांसर था उसको स्क्वायर में लाके रख दे। इस स्क्वायर को जनरली आदमी भूल जाता है, आपको नहीं भूलना है। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, इसको प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से प्रोडक्ट वाला प्रूव हुआ था ना, सेम उसी तरह से ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, हो गया अच्छी बात है, नहीं होगा तो कल हम बता देंगे, ठीक है। ओके।